नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो दोस्तों आज भी जो है आप सभी के लिए काफी सारी न्यूज आ रही है क्रिकेट की, तो वीडियो को जो है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए। आज सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेके। इसको लेके हमारे पास में क्या अपडेट है? सबसे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है, इसके लिए जो है हमारे इंडिया से सुनील गावस्कर और दिनेश कार्तिक जो है कमेंट्री करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ये जो है काफी अच्छी बात है। साथ ही में जो है भाई यहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो अगर मान लीजिए ये मुकाबला अगर ड्रॉ हो जाता है दोनों टीम्स, मतलब की जो है टेस्ट मैच में एज यूजुअल रिजल्ट ड्रॉ भी आता है तो फाइनल कौन जीतेगा। अगर रिजल्ट ड्रॉ आता है तब जो फाइनल है वो ट्रॉफी शेयर की जाएगी, मतलब कि जॉइंट न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों जो है विनर बनने वाले हैं अगर मैच ड्रॉ होता है तो। वहीं जो है मान लीजिए अगर बारिश आ गई, बारिश तो भाई आती है, बारिश आ गई तब क्या होगा? अगर बारिश की वजह से जितना भी खेल जो है मतलब कि रद्द हुआ है, बंद हुआ है और रिजल्ट नहीं आया है, तो बारिश से जो भी समय खत्म हुआ है, वेस्ट हुआ है, वो जो है एक एक्स्ट्रा रिजर्व डे मिलेगा, यानी कि जो है 5 दिन से जो है एक दिन एक्स्ट्रा, छठवां दिन जो है वो होने वाला है रिजर्व डे जो है मिलेगा अगर बारिश आएगी तभी। और दोस्तों ये जो है फाइनल मुकाबला एज यूजुअल हमको पता है इंग्लैंड में जो है ड्यूक बॉल का इस्तेमाल होता है, तब ये भी जो है फाइनल मुकाबला ग्रेड ए का ड्यूक बॉल होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो है इंडियन बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी जो है मुश्किल भी है, क्योंकि ड्यूक बॉल जो है कुछ ज्यादा ही स्विंग होती है। और दोस्तों क्या आप सभी को साथ ही में पता है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला है, इस फाइनल मुकाबले की जो टिकट की प्राइस है, जो हाईएस्ट प्राइस अभी तक गई है, वो भाई जो है किसी आदमी ने 2 लाख रुपए की जो है टिकट की प्राइस खरीदी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल। तो आप लोग सोच सकते हो भाई किस तरीके से क्रिकेट का रोमांच है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं CPL 2021 की। तो भाई जो कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, कुछ बड़े नाम्स हैं जो कि ये साल CPL में खेलने वाले हैं। साकिब अल हसन खेलने वाले हैं CPL में, उस टीम का नाम है जमैकन थैलावास। दोस्तों वहीं जो है क्रिस्टोफर हेनरी गेल यूनिवर्स बॉस जो है दोबारा से खेलने वाले हैं CPL में, उस टीम का नाम है सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियोस। वहीं जो है भाई फैफ डुप्लेसिस भी जो है खेलने वाले हैं CPL 2021। डुप्लेसिस की टीम का नाम है सेंट लुसिया जूक्स। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को जो है वीडियो अच्छी लग रही है, न्यूज काफी हेल्पफुल है, तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बगल में आपको घंटी का बटन भी दिखेगा, उसको भी याद से दबा दीजिए। साथ ही मैं आपको क्रिकेट की सबसे तेज अपडेट पानी है तो मैं जो है आप सभी को टेलीग्राम पे जो है सबसे पहले देता हूँ। आपको जो है करना कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, इसको क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। अगर लिंक से ना हो तो आप लोग सिंपली आपके जो है टेलीग्राम के ऐप पे आपको जाना है, ऊपर वहां पे सर्च कर लेना है IPL एंड क्रिकेट विद पवन, इसको सर्च कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। वही दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स की। बीसीसीआई ने, मैं आपको कल बताया था, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है इंग्लैंड के प्लेयर्स को IPL में खेलने की परमिशन दो, लेकिन वही जो है ECB इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर है एस्ली गिल्स ने कल बहुत ही रूड अपना बयान दिया, स्टेटमेंट दिया। जी हाँ, हम लोग जो है कुछ इंग्लैंड के प्लेयर्स को जो है आराम देने वाले हैं बिजी शेड्यूल से, लेकिन हम उनको आराम देंगे लेकिन उनको जो है IPL में खेलने की परमिशन नहीं देंगे। यानी कि भाई अब 100% कंफर्म है, कैसे भी करके कुछ भी करके जो IPL के बचे हुए मैचेस हैं इसके अंदर इंग्लैंड के प्लेयर्स हमको खेलते हुए नहीं दिखेंगे, उनके डायरेक्टर ने जो है साफ साफ मना कर दिया। अब दोस्तों मुझे जो है यहाँ पे एक जो है कमेंट आया था कि क्या हैदराबाद वार्नर को रिलीज करेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, वार्नर ने आज तक हैदराबाद के लिए बहुत कुछ किया है, उनको जो एक फैमिली की तरह समझते हैं। हम सब लोग देखे भी है किस तरीके से 2016 में वार्नर के कप्तानी में हैदराबाद की टीम जीती भी, उनकी पूरी फैमिली जो है हैदराबाद को बहुत सपोर्ट करती है, उनकी तीनों बेटियां भी, उनकी वाइफ भी हैदराबाद को बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से लास्ट मोमेंट पे 2021 में वार्नर को जो है भाई कप्तानी से निकाला भी और उनको बेंच पे बिठाया, ये जो है भाई कहीं ना कहीं समझ से बाहर है। भाई आप इतने बड़े प्लेयर को कैसे टीम से ड्रॉप कर सकते हो, ये जो है बहुत ही बड़ा सवाल था। जिस तरीके से हैदराबाद ने जो है अपना बहुत ही रूड डिसीजन लिया वार्नर को बाहर करने का, कहीं ना कहीं ऐसा पॉसिबिलिटी भी है, 50-50% चांस है कि हो सकता है वार्नर को हैदराबाद की टीम रिलीज भी कर दे। लेकिन भाई
अगर मेरे से पूछे मैं अगर हैदराबाद के रहूंगा मैनेजमेंट में, तब भाई मैं वार्नर को कभी भी रिलीज नहीं करूंगा। अगर आप लोग सारे आईपीएल के इतिहास देख लो, जितने भी विदेशी प्लेयर अभी तक आईपीएल खेले हैं, उनमें से जो है सबसे हाईएस्ट एवरेज वो है भाई डेविड वार्नर का ही। तो ये जो है इस प्लेयर की काबिलियत दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टीम इंडिया के नए ट्रेनिंग किट की। तो भाई टीम इंडिया जो है अपना नया ट्रेनिंग का किट आप लोग देख सकते हो किस तरीके से टीम इंडिया इस कपड़े में जो है अपनी ट्रेनिंग करती है। ये जो है नया किट टीम इंडिया को प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीएसएल की। तो मैंने आपको जो है कल बताया था नसीम शाह पीएसएल से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने जो है भाई कोविड का जो प्रोटोकॉल है, कोविड का जो रूल है, उसको तोड़ा है। लेकिन आज जो है नसीम शाह को दोबारा से पीएसएल का जो होता है बायो बबल, उसके अंदर एंट्री मिल चुकी है और वो जो है पीएसएल भी खेलेंगे। तो भाई ये जो है कहीं ना कहीं एकदम से अचानक से नसीम शाह को निगेटिव पाया गया, वो जो है उनको पीएसएल के बायो बबल में एंट्री मिल चुकी है और वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हुए भी दिखेंगे। ये हम सभी को ये नई न्यूज़ प्राप्त हुई है। साथ ही में जो है भाई यहाँ पे बात कर लेते हैं, अभी बीसीसीआई ने जो है भाई जो जम्मू कश्मीर की टीम है डोमेस्टिक की रणजी टीम, जम्मू कश्मीर के सपोर्ट स्टाफ, कोचिंग स्टाफ, उनके प्लेयर्स, अभी तक उनको जो है 2020 का हुआ था रणजी ट्रॉफी, इसका जो है पेमेंट नहीं दिया है। तो भाई ये जो है कहीं ना कहीं बुरी बात है। साथ ही में जो है भाई बंगाल क्रिकेट ऑफ एसोसिएशन, इन्होंने भी जो है भाई उनके डोमेस्टिक प्लेयर की जो है मैच फीस अभी तक नहीं दी है। दोस्तों आज जो है भाई सौरव गांगुली पहुंच जाएंगे मुंबई में और वहां पे जो है हमारी 29 मई को जो है भाई बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग होने वाली। इसके अंदर जो है तीन अहम फैसले लेंगे। पहला फैसला आईपीएल 2021 का रिशेड्यूल कब करना है, दूसरा फैसला टी20 वर्ल्ड कप 2021 का क्या करना है, तीसरा फैसला जितने भी डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनकी सैलरी कब देनी है। तो ये जो है तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कल के मीटिंग में उठने वाले हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे आज के फैक्ट्री। क्या आप सभी को पता है आईपीएल के इतिहास में ऐसे कौन से तीन गेंदबाज हैं जिन्होंने आईपीएल में जो होता है 20वां ओवर जो है भाई मेडन ओवर डाल दिया हो। वो है भाई इरफान पठान, लसित मलिंगा और जयदेव उनादकट। ये है वो तीन गेंदबाज जिन्होंने जो है 20वां ओवर मेडन ओवर डाला है। ये थी हमारी आज की न्यूज वीडियो और फैक्ट मैंने आप सभी को बता दी। आप लोग जो वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।